तो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग विद्युत चालन जो चैप्टर है हमारा उसके न्यूमेरिकल में पार्ट 6 में आज हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो इससे पहले के पार्ट में हम सब लोगों ने दो टाइप के जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं इसमें पहला टाइप का हम सब लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और जो दूसरा टाइप का है उसमें टोटल हम 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 16 और 17 के उनको देखेंगे, ठीक है। और यहीं पर ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समाप्त होंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम सब लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है कि सेल क्या होते हैं और सेलों का संयोजन क्या होता है, सेलों से संबंधित परिभाषाएँ, टोटल 2 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2 मीटर लंबे तथा 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध 2.2 ओम है। नंबर 1 तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। और नंबर 2 बताइए उसी पदार्थ की वह लंबाई कितनी होगी, उसी पदार्थ की वह लंबाई कितनी होगी जिसे 2 मीटर लंबे जो हमारा तार दिया गया है इसके समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 2 ओम उत्पन्न हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको सबसे पहले निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमें लंबाई दी गई है, जो तार है उसकी लंबाई 2 मीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है और मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10^-3 लेते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार लेंगे हम ना, तो 10^-3 एक हुआ और 10^-3 दूसरा हुआ और ये मीटर यहाँ का मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हल करेंगे तो दशमलव को यहाँ के हम पीछे ले जाएंगे, पीछे बढ़ाते हैं तो माइनस आता है तो यहाँ का 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गए और 3 यहाँ के 7 हो गए, तो 5×10^-7 मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ प्रतिरोध जो दिया गया है वो 2.2 ओम का है। हमको निकालना सबसे पहले रो और दूसरा हमको निकालना है एल डैश दूसरी लंबाई और जिसके लिए आर इक्विवेलेंट या कह सकते हैं आर समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना दिया गया है 2 ओम। तो हम सूत्र लगाएंगे रो बराबर आर ए बाई एल, आर का मान हमको 2.2 दिया गया, ए का मान 5×10^-7 निकाले हैं, एल का मान 2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 11×2 22 और 11×5 55 एक संख्या आगे दशमलव लगा था, 0.2×10^-7 और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ये तो हम सब लोग पहले से ही समझते हैं और जानते भी हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, हमको एल डैश निकालना है, ठीक है। एल डैश किसके लिए निकालना है, अब एक तार है जो हमारा ये तार दिया गया है इसी के समांतर हम एक दूसरे तार का प्रयोग करेंगे और उसी तार की लंबाई निकालनी है, ठीक है। और इसी तार के समांतर क्रम में जैसे हमने ये मान लिया जो ये तार दिया गया था जिसकी लंबाई 2 मीटर और प्रतिरोध 2.2 ओम है, अब इसी के समांतर हम एक दूसरा प्रतिरोध लेते यानी तार लेते जिसका प्रतिरोध आर डैश और इसकी कुछ अपनी लंबाई जो है वो एल डैश है, ठीक है। इसी के समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसकी जो तुल्य प्रतिरोध है वो दिया गया है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। तो सबसे पहले हमको लंबाई निकालने के लिए प्रतिरोध निकालना होगा, तो हमको पता है ये R और ये I डैश समांतर क्रम में है और हमको पता है समांतर क्रम का फार्मूला ऊपर गुणा नीचे जोड़ होता है, तो R इंटू I डैश अपॉन R प्लस I डैश। अब ये समांतर क्रम की है और इस समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध हमें पहले से ही दिया गया 2 ओम है, तो आर पी लिख करके हम पैरालेल आर पी पैरालेल सफिक्स में कर दिया गया, इसकी वैल्यू 2 दी गई, R की वैल्यू पहले से ही 2.2 दी गई थी, R डैश हमको निकालना है 2.2 प्लस R डैश, ठीक है। अब हम इसका गुणा यहाँ से देखो 2×1 2 और 11×2 22 कर दिया, इसका गुणा यहाँ पर कराएंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ से कराएंगे तो सबसे पहले ये वैल्यू कितनी बनेगी, तो 1.1 R डैश हुआ यहाँ पर और इसका गुणा 1 से कराएंगे तो 2.2 प्लस R डैश रहेगा। अब R डैश को इधर लाएंगे तो 1.1 से R डैश निकलेगा तो 0.1 बचेगा और इधर कितना था 2.2, अब दशमलव हम हटाएंगे
तो यहाँ से एक संख्या बाद दशमलव, यहाँ से एक संख्या बाद दशमलव, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आई है, 22 ओम आई है। तो 22 ओम का प्रतिरोध जब हम इस 2.2 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आएगा। अब हमको प्रतिरोध पता है, अब क्योंकि जो तार है सेम ही तार लिया गया है, उसी पदार्थ का लिया गया है तार, ठीक है, तो पदार्थ बदला नहीं, तो इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध तो हमारा वही रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि वो पदार्थ पर निर्भर करता है, बाकी किसी को नहीं देखता है। तो रो बराबर आर ए बाई एल से हम यूज करेंगे, तो हमको एल चाहिए तो एल को ऊपर, रो को नीचे भेज देंगे, और एल क्योंकि दूसरे वाले एल चाहिए, दूसरा जो लगाया गया उसका एल डैश नाम दिया गया, और इसके लिए प्रतिरोध आर डैश ए बाई रो। अब आर डैश की वैल्यू 22 दी गई है, निकाली गई है, अभी ए का मान 5×10⁻⁷ ही रहेगा, चालक तो उतने ही आकार का लिया गया है, परिवर्तन हुआ नहीं है, और साथ ही साथ जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध आया था वो 5.5×10⁻⁷ आया था, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5×50 को 11×25 55 और 11×51 11×2×22, ठीक है ना, और ये हमारा 10⁻⁷ 10⁻⁷ कैंसिल, ऊपर केवल कितना बचा 10×2 जो कि कितना होता है हमारा 20 मीटर। अतः जो तार हमने यूज किया है उसका मान कितना होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 50 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, प्रतिरोधक पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वलयों के रंग क्रमशः लाल पीला एवं नारंगी है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, ठीक है, तो हमने मान लिया एक चालक है जिसमें एक पहला जो वलय, वलय मतलब एक छल्ला देखे ना, वलय होता है वो, तो एक यहाँ पर वलय बना है, एक दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, पहला वलय लाल है, दूसरा वाला पीला है, और तीसरा वाला नारंगी, ये क्रम जरूर ध्यान देना, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया गया, 50 वोल्ट दिया गया है। अब प्रतिरोध के रंग कौन कौन से हैं, या प्रतिरोध या प्रतिरोधक के रंग कौन कौन से हैं, लाल है, पीला है और नारंगी है, और इसके लिए वर्णक्रम भी है, इस वर्णक्रम की हमने सारणी बगल आपको दे दी गई है, उसमें देख लीजिए। तो लाल रंग का वर्णक्रम देखेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पीले रंग का कितना आ रहा है देखेंगे, 4 है, और नारंगी के लिए कितना है, 3 है, ठीक है, और यदि अगला कोई होगा तो उसके लिए भी। अब इसमें खास बात समझने के लिए ये है कि जो लाल और पीला होता है, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, रंग होता है, वो हमेशा प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध का इकाई और दहाई मान होता है, और जो दूसरा वाला यानी तीसरा वाला नारंगी होगा, जो तीसरा वाला हमारा आता है, प्रतिरोध के रंग जो है, वलय जो दिया गया है, वो हमेशा गुणक को प्रदर्शित करता है, यानी वो हमेशा 10⁻⁷ में जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि चौथा दिया जाता हो तो वो हमें सहेद्यता को प्रदर्शित करता, वो सहेद्यता को प्रदर्शित करता है, तो ये याद रखना। यहाँ पर प्रतिरोध के लिए प्रदर्शित प्रतिरोध की वैल्यू कौन दिखाएगा, प्रतिरोध की वैल्यू 2 और 4, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इकाई कितना है, 4 है, और दहाई कितना है, 2। अब गुणा में ये जो गुणक में जाएगा कौन, 3, क्योंकि नारंगी के लिए तीसरा नंबर हमेशा गुणक में जाता है, 10⁻³ कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, ओम हो जाएगा, और 10³ को हम कहते हैं किलो, यानी 1000, 1000 का किलो से लिखा जाता है, तो ये 24 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना है, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पर ये 2 और 4 यानी 24 हो जाएगा, और ये गुणे में 10³। अगर ये 2 होता, ये 8 होता, तो ये 28 हो जाता, और यहाँ 10 दिया जाता तो गुणे 10⁻⁰। बस ये याद रखना, ये 10⁻ में जाएगा और ये हमारा मान हो जाएगा पहला दूसरा। अब हमको प्रतिरोध पता चल ही गया, हम धारा निकाल सकते हैं, I बराबर V बाई R, V का मान 50 है, और हमने अभी R का मान निकाला 24×10³, तो इसे कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, ऊपर 25 बचा, नीचे 12। अब 12 से भाग कराएंगे 25 को तो 2.08 आएगा, और 10³ प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 10⁻³ को हम मिली कहते हैं, कि क्या कहते हैं, मिली, तो ठीक है, 10⁻³ हटा करके हम मिली एम्पियर ऐड कर देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न परिपथों में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और बी जो परिपथ दिए गए हैं जितने सारे, उनमें हमको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है,
ठीक है, आर ए बी का मान चाहिए हर एक परिपथ में। तो ये हमारा जो 17 का ए दिया गया है डायग्राम, चित्र दिया गया है, उसमें ये ऐसा डायग्राम दिया गया और सभी के प्रतिरोध 8-8 ओम के हैं। ठीक है, हमने नाम भी दे दिया, ये R1 है, ये R2 और ये R3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो यहाँ से कह सकते हैं R2 और R3 समांतर क्रम में है। तो इसका क्या आ जाएगा, आई डैश ऊपर गुड़ा नीचे जोड़, यही तो होता है समांतर क्रम के लिए। ठीक है, तो 8 × 8 सभी 8 हैं, तो नीचे 8 + 8, तो ऊपर 8 × 8 = 64, नीचे 8 × 8 = 16, तो 16 × 64 ओम हो जाएगा ये दोनों समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो ये वाले दोनों मिलकर के एक हो गए, यानी आई डैश हो गए, और ये जो आई डैश है ये इस वाले के साथ आर वन के साथ कौन से क्रम में आ जाएगा, दोनों जब एक हो गए तो इस दोनों में धाराएं समान जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन से क्रम में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में, तो आर डैश और आर वन श्रेणी क्रम में है, तो आर ए बी कितना आ जाएगा, अब तुल्य प्रतिरोध आर ए बी कितना आ जाएगा, आर डैश प्लस आर वन श्रेणी क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है। तो आर डैश कितना आया था, 4 आया था, आर वन कितना है, 8 दिया गया, तो 8 और 4 = 12 हो जाएगा, और 12 ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड देखते हैं, इसका बी कह रहा है, जो चित्र दिया गया उसमें हमको ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट वाला हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से विद्युत धारा जाएगी तो यहाँ दो भागों में बट गई, तो इधर वाली विद्युत धारा भी दो भागों में बट रही है, तो यहाँ से हमने नाम दे दिया है, ये हमारा हो गया R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। ठीक है, और सभी 10 ओम के दिए गए हैं, तो जिसमें R1 और R2 समांतर क्रम में है, तो ये आमने सामने समांतर क्रम में है, तो आई डैश क्या हो जाएगा, R1 × R2 नीचे R1 + R2, तो 10 × 10 नीचे 10 + 10, तो ऊपर 100 हो जाएगा नीचे 20 हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, 5 ओम। ठीक है, तो इन दोनों से मिल करके कितने ओम का बना है, 5 ओम का बना है। ठीक है, अब ये 5 ओम इस वाले के साथ कौन से क्रम में है, दोनों में समान धाराएं जा रही, तो R4 के साथ जो आई डैश आया वो श्रेणी क्रम में है, तो R" कितना हो जाएगा, R' + R4। R' कितना निकल के आया है, 5 आया है, और R4 कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 दिया गया है, ऐड करेंगे तो 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो डायग्राम कैसे बन गया, तो ये तीनों मिल करके जो बने हैं वो R" है, कितने ओम के, 15 ओम के, और ऊपर कितना दिया गया था, R3 10 ओम का है, और ये R5 ये भी कितने ओम का दिया गया है, ये 10 ओम का दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे ये R3 और ये R" अलग अलग आमने सामने है, कह सकते हैं अलग अलग रास्ते में, तो ये कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आएंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, R1 हमने नाम दे दिया इसको, तो R1 = R" × R3 / R" + R3। ठीक है, तो ऊपर गुड़ा और नीचे जोड़ना है दोनों को, तो गुड़ा कराएंगे तो ऊपर 15 × 10 से और नीचे 10 × 15 = 10 से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 150, नीचे हो जाएगा 25 यानी 25, कितनी बार कैंसिल होगा, ये टोटल 6 बार कैंसिल होगा, तो R1 यानी ये टोटल कितने हो गए, ये मिलाएंगे अगर जो इसे इसके साथ आएंगे लेकर के, तो R1 कितना आया, 6 ओम का आया, तो R1 6 ओम का आया, और ये R5 के साथ किस क्रम में देखो लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो R5 है और R1 हमारा आया वो श्रेणी क्रम में है। अब इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध केवल एक ही आएगा, और जब एक जब तक ना आ जाए तब तक हमको करते रहना है ये चीज़ें, तो ये दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। ठीक है, अब मिक्स हो जाएंगे, समान बन सकते हैं, एक जैसा हो सकते हैं, तो दोनों श्रेणी क्रम में, तो आर ए बी दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध आर ए बी कितना हो जाएगा, R5 + R1 श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड किया जाता है, तो ये 10 दिया गया है और ये 6 दिया गया, 12 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 ओम, और ये इसका आंसर बन जाएगा। तो सी इसका क्या कह रहा है, इसमें भी एक त्रिभुज में 3 प्रतिरोध लिए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर 3 प्रतिरोध हैं, और तीनों ही 3-3 ओम के हैं, 3-3 ओम के हैं, और हमने यहाँ से क्या कर दिया है, एक बी सी ये जो त्रिभुज दिया गया है इसमें हमने इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 और इसको R3 नाम दे दिया। यहाँ से जब करंट आ रही होगी तो A पर दो भागों में बढ़ जाएगी दोनों रास्तों में, तो मान लिया जो R1 के संगत I1 जा रही है और R3 के संगत I2 जा रही है, तो देखेंगे ये वाली विद्युत धाराएँ, ये विद्युत धारा जो I1 है वो R1 में भी जा रही है और R2 में भी जा रही है, समान है विद्युत धारा दोनों में,
आई वन ही जा रही, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आर वन व आर टू श्रेणी क्रम में है, तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स ओम। तो ये दोनों आपस में मिल करके सिक्स ओम हो गए, और ये इसके साथ, क्योंकि इसमें आई वन धारा जा रही थी, और इन दोनों की जगह पर कौन आ गया, दोनों जो काम कर रहे हैं, देखो चाहे थ्री प्लस थ्री इधर अलग अलग करो, चाहे हम डायरेक्ट कह सकते हैं इन दोनों को सिक्स ओम। तो ये अकेला हम ऐड कर दिया, सिक्स ओम का ऊपर टोटल ऐड आया, और नीचे कितना आ रहा है, थ्री ओम का, दोनों में अलग अलग करंट है, और अलग अलग करंट है तो इसलिए समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो आर डैश और आर थ्री समांतर क्रम में है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, आर डैश गुणा आर थ्री, और नीचे आर डैश प्लस आर थ्री, तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो सिक्स का मल्टीप्लाई थ्री से कराएंगे, और नीचे सिक्स का ऐड करना है थ्री से, तो ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे 9 हो जाएगा, और 9 टू जा 18 होता है, यानी 2 ओम 2 ओम आ जाएगा ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर। तो डी नंबर में दिया गया एक ए दिया गया, ए की ए में जितनी भी भुजाएं आ रही हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का ए अक्षर है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी आ रही है साइड, सभी के प्रतिरोध हैं चार चार ओम के, फोर फोर ओम के, ठीक है। तो हमने यहाँ से नाम दिया, ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, ये आर थ्री, ये आर फोर, और ये आर फाइव। यहाँ से करंट अगर पास होना शुरू हुई तो इस जगह पर आकर के बढ़ जाएगी, ऊपर मान लिया आई वन जा रही है, और इधर किससे कितनी जा रही, आई टू, तो आई वन इसमें भी जाएगी, आर थ्री में भी, और आर फोर में भी आई वन जा रही है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आर थ्री और आर फोर श्रेणी क्रम में है, तो आई डैश कितना हो जाएगा, आर थ्री प्लस आर फोर, यानी फोर प्लस फोर एट, तो ये दोनों टोटल कितना प्रतिरोध दे रहे हैं, एट ओम का। और इसमें आई वन धारा जा रही थी ऊपर, और इस वाले में कितनी जा रही थी, आई टू जा रही, तो ये और ये किस क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। तो इन दोनों से मिल करके कौन आया, आई डैश, और ये कौन है, आर फाइव, तो आई डैश और आर फाइव समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आर डबल डैश, आई डैश कूड़ा आर फाइव, और नीचे आई डैश प्लस आर फाइव, तो ऊपर ये है हमारा फोर, और ये कितना आया है, एट, तो एट इंटू फोर अपान में आ जाएगा एट प्लस फोर, ऊपर थर्टी टू और नीचे ट्वेल्व, डिवाइड कराएंगे फोर से, तो फोर थ्री जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है, और फोर एट जा थर्टी टू होता है, यानी एट बाई थ्री ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो ऊपर तीनों को मिला करके कितने ओम, तो ऊपर वाले तीनों को जब हमने सॉल्व किया तो कितना बना टोटल का टोटल, आर डबल डैश, यानी एट बाई थ्री ओम। अब ये डायग्राम कुछ ऐसे देखने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला टोटल आर डैश हो गया, आर डबल डैश, ये आर वन और ये आर थ्री। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में, ये तीनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो आर वन, आर वन, आर डबल डैश, आर थ्री किस क्रम में है, तो ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर डबल डैश प्लस आर थ्री, ठीक है ना। तो ये फोर है, ये एट बाई थ्री आया था, ये फोर है, तो फोर फोर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एट। अब इनको सॉल्व करेंगे तो फिर तो तीनों अठी चौबीस और आठ बत्तीस बटे में तीन आ जाएगा ओम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। इसमें ए बी के मध्य हमको तुल्य प्रतिरोध दिखाना है। एक चतुर्भुज है, उनमें जितनी भी भुजाएं हैं और साथ ही साथ विकर्ण जो दिया गया है एक, उसमें हमको प्रतिरोध दिखाना है, यानी दिया गया है, ठीक है। दिखाना क्या है, दिया ही गया है क्वेश्चन में। ये वाला प्रतिरोध दो ओम का है, ये एक ओम का, ये एक ओम का, ये दो ओम का, और बीच वाला जो विकर्ण है वो तीन ओम का है। हमने नाम क्या दे दिया, दिया इसको, इसको आर वन, इसको आर टू, इसको आर थ्री, इसको आर फोर, और इसको आर फाइव दे दिया गया। अगर ए से करंट पास होना शुरू की, तो ए से करंट अगर जो जाएगी, ए बी के बीच चाहिए ना, तो ये जिसके बीच चाहिए उसको बैटरी से ऐड करो, तो बैटरी से यानी एक वाला तार करंट ले जाएगा, दूसरा वाला तार करंट लाएगा, तो यहाँ से करंट जाएगी अंदर, तो इस जगह पर आकर के बढ़ जाएगी। तीन रास्ते हो गए, तो एक आर वन जा रहा है, एक आर टू जा रहा है, एक आर थ्री जाएगा लेकर के, ठीक है। तो ये आर वन जा रहा है, आर वन आई वन जा रहा है, ये आर वन में भी आई वन जाएगा, आर थ्री में भी आर वन आई वन जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक कहने में हो रहा है कि आर वन और आर थ्री में आई वन ही करंट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, तो आई डैश आर वन प्लस आर थ्री, और ये टू है, ये वन है, तो हो जाएगा थ्री,
ठीक है ना, 3 ओम हो गया, ऊपर हल किया तो 3 ओम हो गया। ऐसे नीचे वाले में कौन सी करंट जा रही है, R2 और R4 में I2 ही जाएगी, तो ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, I2 और R4 भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो I" R2+R4 हो जाएगा, यानी कि 2+1, ये 2 है ये 1 है, ऐड करेंगे तो 3 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ऊपर भी मिल करके ये कितना हो गया, R- बना, नीचे वाला कितना बन रहा है, R" बन रहा, बीच वाला कितना है हमारा, R5 था, और ये तीनों के तीनों किससे कनेक्टेड थे, A से, इधर वाला किससे कनेक्टेड था, B से, इसमें कौन सी करंट I1 जा रही थी, इसमें I3 जा रही थी, और इसमें I2 जा रही थी, तो अलग अलग करंट हैं तीनों के तीनों प्रतिरोध में, तो इसलिए समांतर क्रम में होंगे, तो RAB क्या हो जाएगा, 1/RAB, 1/R+1/R5+1/R", ठीक है ना, तो 1/3, 1/3, 1/3 सभी 3 है, तो इसलिए 3/3 हो जाएगा, जो कि कितना बना, 1 बना, ठीक है, तो 1/RAB हो गया 1 के बराबर, और इसलिए RAB का मान भी 1 ओम होगा, यानी 1 ओम आएगा, ठीक है ना। और यहीं पर ये चैप्टर के विद्युत चालन चैप्टर के न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना जरूर, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो विद्युत धारा और किरचॉफ नियम में आएगा, और किरचॉफ का नियम ही आएगा, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं फिर किरचॉफ नियम में।